कांग्रेस महिला विधायक और पार्टी नेता के बीच आपसी विवाद, गुंथाई जा रही राजनीतिक संघर्ष। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सतना जिले में हुए घटनाक्रम ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनके आपसी विवादों को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया है। यह कहानी है कांग्रेस महिला विधायक कल्पना वर्मा और पार्टी के स्थानीय नेता मनोज बागरी के बीच के आपसी विवाद की, जिसमें आपसी आरोप प्रत्यारोप और यौन आवाजाही के मामले शामिल हैं। कल्पना वर्मा ने पुलिस को बताया कि घटना उसके हटिया गांव के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान घटी। वह एक परिवार से मिलने जा रही थी जब मनोज बागरी और उसके साथी यहां पहुंचे। इसके बाद उनके बीच मानसिक जगहगिरी का मामला उत्पन्न हुआ। मनोज ने कल्पना की गाड़ी के सामने खड़ा होकर उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप एक वादक संघ के सदस्यों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। कल्पना ने फिर घटना के बाद सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। विधायक कल्पना वर्मा ने मनोज बागरी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मनोज बागरी ने उनके साथ शराब पीने के बाद उन पर यौन उत्पीड़न का प्रयास किया और उनकी महिला सहायक के साथ धक्का मुक्की भी की। कल्पना वर्मा की शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाने में पुलिस ने मनोज बागरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 341 यानी गाड़ी चलाने के बिना अपमानित करना, 294 यानी अवमानना करना और 354 यानी छेड़छाड़ के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मनोज बागरी का कहना है कि यह सारा मामला केवल राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और कल्पना वर्मा उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रच रही हैं। वे कहते हैं कि वे उस समय सदना में थे जब घटना घटी और शराब पीने के आरोप छूटे हैं। मनोज ने इस पर किसी भी जांच के लिए तैयार होने की घोषणा की है। कल्पना वर्मा का दावा है कि मनोज बागरी राजनीतिक आदर्शों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके खिलाफ दर्ज मामला सिर्फ विधायक की सुरक्षा के साथ साथ महिला सम्मान के प्रति भी एक प्रतिस्पर्धा भूमिका निभा सकता है। मनोज बागरी जो पहले 2 बार जिला पंचायत चुनाव में हार चुके हैं, अब विधानसभा चुनाव के लिए रैगांव क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई बार विरोध के प्रयास किए हैं, लेकिन इस घटना की गंभीरता को नकारते हैं। वे यह मानते हैं कि यह सब केवल उनकी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिलने की उम्मीद में कल्पना वर्मा द्वारा किए गए हथकंडों का हिस्सा है। कल्पना वर्मा की ओर से इस मामले में एसपी यानी सब इंस्पेक्टर और पुलिस से भी शिकायत की गई है। इस पूरे मामले ने कांग्रेस पार्टी के चरित्र पर एक बड़ा सवाल उठाया है। यह सवाल है कि क्या वह पार्टी जिसके नेता अपनी ही महिला विधायक का सम्मान नहीं करते हैं, वास्तविक महिला सम्मान की उम्मीद कर सकती है। इस घटना ने कांग्रेस के नेताओं के आपसी विवादों को भी सबके सामने लेकर आया है और यह उन्हें अपने चरित्र और संगठन के इमेज को दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसके बावजूद यह कहानी एक नेता की राजनीतिक दावेदारी के बारे में भी विचार करने का अवसर प्रदान करती है। मनोज बागरी जो पहले 2 बार चुनाव में हार चुके हैं, अब विधानसभा चुनाव के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कल्पना वर्मा के आरोप का भी प्रभाव हो सकता है। इस समय इस मामले की जांच जारी है और उसके बाद ही हम अंतिम निष्कर्ष कर सकते हैं कि इसमें किसकी गलती है और किसका सत्य है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस किस्से को गलियों में नहीं खिंचड़ा जाए और उसे सख्ती से और न्यायिक तरीके से हल किया जाए, ताकि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का संरक्षण हो सके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।